अस्सलामुअलैकुम। शहर कायद के हर इलाके का है एक ही हाल, हर इलाका है हाल से बेहाल, कहीं नहीं मिलेगी पूरे मुल्क में आपको ऐसी कोई भी मिसाल। गंदगी हो, गैस हो या पानी के मसाइल, इन तमाम मसाइल ने किया आवाम का जीना मुहाल। आवाम किन परेशानियों से हैं दो चार आइए जानते हैं। मैं हूं आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार जो कि है कराची की पुकार। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी हम थोड़ा बहुत इलाके का विज़िट किया, गंदगी और पानी जो बेतहाशा बह रहा है, मतलब ज़ाया हो रहा है, वो लाखों टन लीटर जो पानी है वो ज़ाया हो रहा है डेली की बेसिस पे। अभी जहाँ पे आप हमें लेके आए हैं निशानदेही की, आपने बताया कि यहाँ पर पानी ज़ाया हो रहा है, और सबसे पहली बात तो मैं आपको ये थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये वो जगह पर है जहाँ से तकरीबन आधे कराची को पानी सप्लाई हो रहा है, ऐसा ही है सर? बिल्कुल। और लेकिन उसका हाल हम सबके सामने अगर राहुल भाई और कमर भाई हमारे दिखा सकें कि ये जो हाल हुआ हुआ है बदतरीन हाल हुआ हुआ है, गंदगी का हाल देख लें, ये गंदगी है। यहाँ से आधे से आधे कराची को पानी सप्लाई किया जा रहा है, वहाँ से ही वो मेन लाइन है और ये सारा जो गंदगी का ढेर लगा हुआ है बाकी जो इलाके में है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि वो पानी किस तरह से ज़ाया हो रहा है। लाखों गैलन जो पानी है वो ज़ाया होता है। अभी लाइट गई हुई है यहाँ पर तो वो पानी स्लो ज़ाया हो रहा है, जैसे लाइट आती है तो यहाँ पर पानी फिर उसी स्पीड से। हाँ मच्छर ही मच्छर हैं सर, रहेंगी जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे, तो अल्लाह रहम करे बस। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोग हमारे बुलाने पे यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ। दूसरी बात ये है कि मेरा नाम सलमान नूरानी है और मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ लोकल ज़कात व उशर कमेटी का। तो हमारे यहाँ पर वाटर बोर्ड का बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है, ये हमारा कौमी असासा है जहाँ आप खड़े हैं, वाटर ग्राउंड जिसको कहते हैं TNC ग्राउंड, ये हमारा कौमी असासा है। मगर इसको वाटर बोर्ड के ना अहल अफसरान और ना अहल अमला जो रिश्वत खोर है वो इसको बस ज़ाया कर रहा है। सही, हमारे इस कौमी असासा को ज़ाया कर रहा है। आधे कराची को यहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है, हमारे अस्करी इदारों को यहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है, हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को यहाँ का पानी मिल रहा है, और ये लक्की स्टार सदर खारादर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट उसके बाद किमाड़ी ये खारादर और इससे मुलिका जंग प्रेस तमाम इलाकों को ओल्ड सिटी एरिया इससे पानी सप्लाई हो रहा है। मगर आप इसका हाल देख सकते हैं, एक अरसे से ये देखें ये लाइनें फटी हुई हैं, गंदा पानी इसमें जा रहा है। यहाँ के रिहायशियों को, माओं को, बहनों को तकलीफ है, बच्चों को मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, किसी को निगलेरिया सर पानी में निगलेरिया आ गया है, अल्लाह माफ करे, निगलेरिया आ गया। हाँ। अब तो निगलेरिया की तस्दीक हो गई है कि इस पानी की वजह से निगलेरिया हो रहा है। आप इस टैंक का हाल देखें, इसकी कॉइलें चोरी हो गई, इसमें कोई चौकीदारी का इंतजाम नहीं है, खुला हुआ है सारा इलाका, ये बिल्कुल खुला हुआ है। इसमें जिसका जहाँ दिल चाहता है वहाँ वो कुछ चार बांस गाड़ के वो मकान बना लेता है, रिहाइश कर लेता है। इसकी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है, बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं। हमने 12 दरख्वास्तें दी हैं, MD वाटर बोर्ड को दरख्वास्तें दी हैं, हमने SSP साहब को दरख्वास्तें दी हैं, हमने DC साहब को दरख्वास्तें दी हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हम SHO ब्रिगेड साहब से अपील करते हैं कि खुदारा ये जो गैर कानूनी बाजार लग रहा है, क्योंकि इनकी जो गली सड़ी सब्जियाँ होती हैं ना, ये वो गली सड़ी सब्जियाँ इस टैंक के अंदर डाल देते हैं। सही, हम तो ये समझते हैं ना कि हमारा छोटा सा फ़ायदा है, हमें 1000 रुपये की इधर से बचत हो जाएगी, मगर हमारे बच्चों को जो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, उसके बारे में भी तो सोचें। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वाकई में ये जो जैसे भी हम यहाँ खड़े हुए हैं और आपके ऊपर मेरे पर जिस तरह मच्छरों ने गोचार की हुई है, खतरनाक जगह है, खतरनाक टाइम हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या कहेंगे जो सर इलाके का हाल हुआ है, हाथ से बेहाल हुआ है, आप अपने आँखों से खुद देख लीजिए यहाँ का हाल क्या है। ऊँची नीची जगह है, हटे हैं, पानी बह रहा है, और ये जो क्या कहते हैं यहाँ के ठेकेदार हैं वो भत्ता लेते हैं, आदमियों को बैठा देते हैं, पुलिस आती है भाग जाते हैं, और वो उनके भत्ते क्या कहते हैं उनके तो चालू हो रहे हैं, वो मर गए बेचारे। अब ये पानी में जो कचरा डाल रहे हैं, गंदगी हो रही है, सब ये तो आप खुद देख सकते हैं ना, बेहाल हुआ हुआ बिल्कुल। हाँ तो मैं क्या बता सकता हूँ, आप अपनी आँखों से खुद भी नहीं, बिल्कुल नज़र भी आ रहा है आँखों से कि उन्होंने बताया भी कि जो हाल से बेहाल हुआ हुआ है यहाँ पे, कह रहे हैं कि जो बाजार लग रहे हैं ये सबसे बड़ी जड़ है कि यहाँ पे गंदगी होती है, परेशानियाँ होती हैं। आप बता रहे थे कि जो टंकियाँ हैं असासा है हमारे मुल्क का, शहर का, जहाँ से तकरीबन आधे कराची को पानी सप्लाई होता है, तो ये फाल नहीं है, काम नहीं कर रही है? जिस वक्त जिस जगह आप खड़े हैं ना इस वक्त, अच्छा ये पानी का टैंक है, अच्छा इस टैंक पे खड़े हैं हम लोग, इस टैंक ये टैंक अगर टूट जाए तो इसकी मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि ये जिस के ऊपर आप खड़े हैं ये
बेसिकली लकड़ी की छत है। अच्छा, उसके ऊपर फिर कच्चा माल डाला हुआ है और उसके ऊपर कारीगरियां हुई हैं। ये कारीगरी और ये ब्रिटिश के टाइम का, इसकी मयाद पूरी हो चुकी है। अच्छा, और जिसपे ये काम हुआ हुआ है कारीगरियां हुई हैं। इस वक्त आप ये चैम्बर की सूरत हाल देख लें। दूसरी बात, ये गुंजान बिल्कुल उजाड़ा पड़ा हुआ है, इसकी कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। इसमें खुदा ना खास्ता इसमें कोई जानवर गिर के मर जाए, जहरीला पानी सब लोग पियेंगे, ऐसे ही होता है। हमारे बच्चों को जहरीला पानी मिल रहा है। दूसरी बात, इसको आप सफाई भी देख लीजिएगा। अच्छा, देखते हैं, आ जाए सफाई देखें। जैसे कि सलमान साहब ने बताया है कि जिस जहाँ पे हम चल रहे हैं, ये टैंक है, और ये टैंक जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माना है, पुराना है, और मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक लकड़ी के उस पर बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर फिर उन्होंने ये कारीगरी की हुई है कि उस पर मिट्टी डाली हुई है, सीमेंट डाली हुई है, और उसको एक ग्राउंड की सूरत दे दी गई है। बाकी ये जो हम यहाँ पे तक पहुँचे तो सर ये हालत देख लें, ये है टंकियों का हाल। ये जो यहाँ पे जंगल बना हुआ है, सफाई का जो निज़ाम है वो पीने वाले नज़र आ रहा है। गंदगी का आप आलम देखें। हाँ बिल्कुल, अब आपको मेन चैम्बर में लेके जाता हूँ। जो बेचारे यहाँ के सिक्योरिटी वाले हैं वो कितनी सिक्योरिटी करेंगे, जो नहीं कौन आएगा, पानी वानी खोलते हैं गरीब। ये देखें, ये सूरत हाल है, ये खुला हुआ है, ये बस खुला हुआ। अच्छा, ये पूरा टैंकी है, ये पूरी जो जगह है जहाँ आप खड़े हैं, इसके नीचे पानी ही पानी है। अच्छा, पानी स्पीड से पानी है, आवाज़ आ रही है कि अगर इस पानी में कोई बहुत वजनी चीज़ भी डाल दी जाए ना तो वो ऐसे बह जाएगी मिनटों में। इसका प्रेशर इतना तेज है। ये देखें ये जहाँ खड़े हुए हैं ये टैंक है। अच्छा, सारा टैंक है, सही है। अच्छा, इसे नीचे जाएंगे तो पानी पानी है। अच्छा, आप ये इसका प्रेशर, इसकी आवाज़ सुन लें। ये देखें आप, कीड़े देखें, अल्लाह माफ करे, यहाँ से कराची का पानी सप्लाई हो रहा है। ये देखें, ये कॉकरोच देखें, ये लाल बैग देखें। यहाँ से वहाँ से जा भी नहीं सकते, वहाँ तक तो लकड़ी की छत जो मैं आपसे कह रहा था ना, ये देखें, ये पूरी वहाँ तक बिछी हुई है वो जी। अच्छा, जो बता रहे थे कि बाहर टैंक का मतलब आके मिट्टी डाली हुई है, सही। जो हम बता रहे थे कि बाहर टैंक जो है वो इस तरह का है, जो लकड़ी का ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसके ऊपर मिट्टी और मलबा वगैरह डाल के इसको ग्राउंड बना दिया। सही है। ये हालत हुई है, ये गंदगी है, इसके नीचे आप पानी देखे, पानी का इतना प्रेशर है कि आवाज आ रही है, वो इसमें हजारों टन वजनी चीज भी ऐसे मिनटों में बह जाएगी। वहाँ तो जा भी नहीं सकते, ये कच्चा है, ये वरना आपको वहाँ जाते और दिखाते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो हालत है, वो बड़ी नीचे जा रही है, नाजुक सी है। ये हाँ, ये देखें इधर से देखें, ये पानी है नीचे, बिल्कुल। मतलब ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, बोसीदा हुआ है, पूरी बिल्डिंग बोसीदा हुई है, अल्लाह। इसके अंदर से लाशें भी निकली हैं। अच्छा जी, इसके अंदर से लाशें भी निकली हैं। इसके अंदर एक दफ़ा कुर्बानी के जानवर भी गिर के मर चुके हैं। यहाँ पे बनते होंगे जानवर वगैरह जी, जी बेशक। ये है सूरत हाल, जहाँ से तकरीबन आधे कराची को पानी सप्लाई किया जा रहा है। गंदगी भी है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, बोसीदा बिल्डिंग हो चुकी है और पुरानी बिल्डिंग है, कोई पूछने वाला नहीं है, गंदगी है। यहाँ से तकरीबन आधे कराची को पानी सप्लाई किया जा रहा है, और वो गंदा पानी है, उसमें क्या क्या चीज़ें गिरी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमारी यही गुजारिश है हुकाम वाले से, जो यहाँ के महकमे वाले हैं, उनसे यही गुजारिश है कि खुदारा यहाँ पे आएँ और इन चीज़ों को देखें। जो यहाँ का अमला है वो भी बड़ी कस्मत पुरसी में यहाँ पे काम कर रहा है, कोई सेफ्टी नहीं है, क्योंकि मच्छर भी हैं यहाँ पे, और जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल बोसीदा है, कोई आगे तक नहीं आ सकता। वो लकड़ी के जो तख्ते लगे हैं वो भी बिल्कुल बोसीदा हालत में, किसी टाइम भी कोई भी अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ सकता है। सर, ये वो चैनल है जहाँ से पानी सप्लाई होता है, ये पीछे यहाँ पर मोटरें लगी हुई हैं। अच्छा, इसकी कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है। एक मोटर यहाँ की चोरी हो चुकी है, क्वाइल चोरी हो चुकी है, एक मोटर और क्वाइल मौजूद है। यहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ था जिसे सरपसंदों ने उखाड़ के बेच दिया। नजर आ रहे हैं, जो बेचारा यहाँ का चौकीदार है उसकी अपनी सिक्योरिटी का इशू है। ये देखें, ये दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं बारहा। इसकी जो है हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है कि इसके चारों तरफ बाउंड्री करवाई जाए, मजबूत बड़ा दरवाज़ा लगाया जाए, ताकि यहाँ पर जो सामान है जिस बंदे की कस्टडी में यह है वो ज़ाया ना हो। मगर इस पर कोई अमल दरामद नहीं है। दूसरी बात, आप ये देख लें, यहाँ पर ये जो हालत हुई, ये देखें, ये पानी की लाइन है, सब पूरा वाटर ग्राउंड को खोद दिया गया है। काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जो सारा जो चैनल बना हुआ है, ये वाली लाइन काम कर रही है। अच्छा, वो वाली लाइन काली वाली जो है जी, बाकी जो बड़ी लाइन है, जो
अब ये इसका मुझे नहीं पता है, बाकी लाइनें तो काम कर रही हैं। अच्छा, मगर आप देखें किस तरह काम कर रही हैं, बहुत गलीज तरीके से काम कर रही हैं। बिल्कुल आलू और सारे जो गंदगी है बाहर लगा, खुला पड़ा हुआ सारा, बिल्कुल जानवर बने हुए इधर काम हो रहा है। हम ऐसे चल के ना ऐसे घूम के मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसके अंदर आप देखें टैंक की हालत देखिएगा। अच्छा टैंक है, अंदर टैंक भी है, टैंक है इसके अंदर आ रही है, जहाँ हम खड़े हैं ये टैंक है। अच्छा पूरे टैंक भी खड़े जी 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 जी। अल्लाह हू अकबर, मतलब इतना बड़ा एरिया और इतना सा कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। इसलिए पानी के लिए हम लड़ रहे हैं, लोग बेचारे परेशान हैं और यहाँ पे पानी इस तरह पानी जाया हो रहा है, हजार हाथ गैलन पानी जाया हो रहा है। लाखों भर गए सर, क्या लाखों गैलन, लाखों गैलन पानी जाया हो रहा है बेशक। चलिए सर बिल्कुल देखते हैं, वो हालत देखते हैं टैंक की और मोटरों की। आ जाए सर, जो बदबू है यहाँ पे अल्लाह माफ करे, वो बयान नहीं की जा सकती ना, वो दिखाई जा सकती। जो टाइफून यहाँ पे सर पकड़ लिया अल्लाह माफ करे, सिर्फ इतनी सी जगह ने, ये आप सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से हिस्से की गंद और गलाजत देख लें। ये पानी का ये जनरेटर है, तो ये जनरेटर वगैरह जो रखे हुए हैं ये यहीं से सप्लाई के लिए है। जी जी ये सप्लाई के लिए हैं, मगर आप देख लें किस तरह जाया हो गया। इसको पढ़ना शर्ट का इंतजाम है, खुला पड़ा हुआ है, बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है। असल में जाया होगा तो कौम का पैसा जाया होगा, सी बात टैक्स और फिर सिंध हुकूमत को चोर कहेंगे, इनको मौका मिल जाएगा जो हमारा। सही बात है, बोहतान लगाने पे बोहतान लगाते हैं, सही है। दूसरा ये कि हम तो काम कर रहे हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं, रात काम कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे आए थे वो ये जगह ये है, ये वाटर सेक्शन है, ये वाटर मशीनें लगी हुई हैं सेक्शन टू में बड़े बड़े, ये इसी तरह खुले पड़े हुए, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये देख लें ये मशीनें हैं, ये सारे जितने भी पुरजे जाते हैं वो सब रखे हुए हैं यहाँ पे, इक्विपमेंट रखा हुआ खुला पड़ा हुआ है, पाइप्स हैं, इक्विपमेंट है, सारी चीज़ें जो हैं वो खुली पड़ी हुई हैं, जनरेटर हो गया पीछे वो रखा हुआ है, लाइनें वगैरह, कीड़े गंदगी, मतलब वो तो सर वो तो छोड़ ही देना, वो तो बेताशा है। मतलब जो बदबू है, जो स्मेल है, वो यकीन माने बर्दाश्त नहीं है, वो बताया भी नहीं जा सकती कि जहाँ से पूरे कराची को पानी सप्लाई हो रहा है वहाँ का ये हाल है। ये देखें ये हाल है यहाँ पर। सूरत हाल अभी आपको दिखाई, जो जहाँ से पानी सप्लाई होता है वो वहाँ की सूरत हाल थी, अब हम इलाके में आ गए, इलाके की सूरत हाल देख रहे हैं। ये रहायशी इलाका है, गलियों में खड़े हैं, और हालत देख रहे हैं आप, ये घर हैं, इधर भी घर हैं, इधर भी घर हैं, मार्केट है, और हालत ऐसी हुई है यहाँ पे, जैसे कचरा कुंडी, जो कचरे का अंबार है, डंपिंग स्टेशन बना हुआ है ये गलियाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है, हमारा खैरियत से है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है कि आप लोग खैरियत से हैं, ये इतना बड़ा गंदगी का अज़ाब को देख रहे हैं हम तो भाई, हम तो अज़ाब को झेल रहे हैं, यही मेरा किचन है, यही दिन कितनी बीमारियां चल रही हैं, गवर्नमेंट तो हो गई है, क्या कहें गवर्नमेंट, मतलब ये किसी को नजर नहीं आ रहा, नहीं नजर, आंख वाले अंधे हैं यहाँ पे, कचरों के बिल जो है वो बिल में लग के आ रहे हैं कचरा उठाने के लिए, नहीं नहीं आते, नहीं आते हैं, कोई नहीं आता, रहता है तब तक लेके जाते हैं कचरा, ये तो 7-8 फीट कचरा जो है खत्म करवा दे मेरे भाई, नहीं कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, और ये कुआं है, कुएं के अंदर ही सारा कचरा है, यहाँ से पानी की सप्लाई होती है, जी जी जी, ये कुआं है, ये कचरे कुंडी ना पाड़ा, जो टंकी जो आ रही है पानी, पीछे वंगी पाड़ा है उसकी लाइनें टूटी हुई, वो सारा पानी इसमें भरा हुआ है, अच्छा लोग आते ही नहीं उठाने, मतलब ये जो पानी सप्लाई हो रहा है जो टंकी है वो, नहीं नहीं उस टंकी से ताल्लुक नहीं है, वंगी पाड़ा चौक वाटर है, अच्छा इसके अंदर से नालियाँ टूटी है, सारा पानी यहाँ पे आ रहा है, जी जी अंदर ये कुआं है, कुआं इसमें 20 लाख डलेंगे तब जाके ऊंचा होगा, अच्छा मतलब ये पूरा जो है ये पूरा मलबा डलेगा 7-8 फीट कचरा उठेगा फिर 20 फीट नीचे कचरा, जी जी बहुत ज्यादा कुआं बना हुआ है, मतलब कोई नहीं आया इतने सालों से, कोई कुछ नहीं आया, लोग आते हैं देखते चले जाते हैं, कोई नहीं आता, ऊपर से जब लाइट तो मैंने देखा ही नहीं है, जितने लाइट होती नहीं भाई, कितने कितने घंटे जा रही है लाइट, लाइट तो यहाँ 4 घंटे जा रही है, 2.5 घंटे जाती है, 3 घंटे जा रही है, 10 बजे जाती है, 1 बजे आती है, हाँ देखो कितने 2.5 घंटे, 2.5 घंटे सुबह से जाती है, 7 बजे जाती है तो 9:30 बजे आती है, फिर 11:30 जाती है तो 1 बजे आती है, फिर जाती है 6 बजे, 6 बजे जाती है, अभी 6 बजे गई है तो अब 8:30 बजे आएगी, फिर 10 बजे जाएगी तो फिर 1 बजे आएगी, ये टाइमिंग है, रात की लाइट बस खतरनाक है, और बिल जो बिल तो इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल इसका कोई ख्याल करने वाला नहीं है, 4 दिवाली बने इसकी, जिस तरह से होता है कचरे का सिस्टम, ये भी इसको डेंगू वायरस हो गया था, ये नहीं कि घर की बच्ची है, पड़ोस इसी घर की बच्ची है, सब बच्चों को यही हो रहा है, डेंगू हो गया था इसको बच्ची को, इसे सारे व्हाइट सेल खत्म पंजवानी में, इसके बाद वो छोटी बच्ची है उसको हो गया था,
अब यही बात है ना कि अभी इलाज कराए हैं, महंगाई में क्या करे बंदा, ये कचरा देखे मुंह पे आ रहा है, ये कचरा इतनी स्मेल होती है ये अगर दिखा सके, देखें आधी गली में तो सही नहीं है कि ये तो प्लॉट के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, बाकी आधी गली तक ये कचरा जो है यहाँ पे फैला हुआ है, 7-8 फीट तकरीबन में कचरा है, उसके नीचे बता रहे हैं कि 20 फीट और नीचे जगह है जहाँ तक कचरा गया हुआ है, तो मतलब कोई उठाने वाला नहीं, कोई पुरसाने वाला नहीं है। ये कहाँ गई यहाँ की? हाँ सही बात है, बातें हो रही हैं, ये तो कह रही हैं सिर्फ वोट लेने की नहीं है, आ जाएं घर से, आ जाएं और डालें वोट, डालें। हाँ मेरी बहन है, बात जो है ना ये हाल हो जाता है, नहीं ये हमने भी नहीं डाला, हम क्यों बोले, हमने अपने वोट जो ना जाया कर, इलाका तो साफ करें ना कम से कम, इलाका पानी साफ नहीं आ रहा, पानी साफ नहीं आ रहा, इतना मसला बिल कितने आ रहे हैं, अच्छा चलो बिल आ रहे हैं 15,000 रुपए का घर का बिल आ रहा है, घर में आप आके इंक्वायरी तो करो आके कि घर में ऐसा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इसमें, कोई मशीनें चल रही है, क्या चल रहा है इसमें भाई, पागलों का बीमारी होगा ना, इतने घर है घर में लाइट ही नहीं हो तो फिर बंदा बीमारी होगा ना मेरे भाई, कुछ ये कचरे की वजह से, कुछ रोड की वजह से, कुछ ये लाइट की वजह से होता है, लड़ाई शुरू हो जाती है, ऐसे ही होता है। अब वो ये ना हम तो खैर सफाई रख लेंगे, बच्चों को भी कर लेंगे, लेकिन कहाँ तक बचाएंगे, मच्छर गंदगी जो फैल रही है, साफ पानी जो है वो गंदा, खाने पीने का सामान लेके जाते हैं उसमें जरासीम आते हैं, बंद करके लेके जाओ, उसमें लेके जाओ, किस तरह सारा कचरा नहीं लेके जाते ना, थोड़ा थोड़ा कचरा लेके जाते हैं, फिर एक हफ्ते बाद आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा आगे से उठा लिया जो अंदर की तनख्वाह ले रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम मैम। बीमार हर बंदा, हमारे घर में भी बीमार हो रहे हैं सब, यही डेंगू बीमारी चल रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है, किसी को कुछ पानी से तंग, बत्ती से तंग, ये कचरा रोडों पे इधर आ जाता है बीच में, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं हमारे घर के साथ, किचन भी लगा हुआ है, सही है वो, यही है छोटे छोटे घर है हमारे, खोखली हो गई अंदर से, आप अंदर से भी देखें इनकी सारी खोखली हो गई है, घर इतने खोखले हो गए ना बता नहीं सकते, चील आ गई है, बता रही है किसी, अभी हम इतने बिजली के बिल भी ले रहे हैं, उसमें भी कचरे का लक्की आ रहा है, सब दे रहे हैं बिल, हमारा एक भी बिल नहीं रुका, लाइट नहीं है, किराए के घर में रह रहे हैं, अभी जो लाइट जो बता रही है सही बता रही, सही सही, अभी देखे 8:30 बजे आ जाएगी ना, 9-10 बजे जाएगी, 1 बजे आएगी, बताओ क्या करें बच्चे, हाँ और बच्चे सारे स्कूल में जाने वाले हैं, सुबह लोगों के काम पे जाना और जॉब पे जाते हैं सारे, ये इसी तरह बस बुरे हाल से नहीं गुजार, हाँ, ऐसे ही गुजार रहे हैं, बाकी जो मैं भी टंकी का हाल देख के आ रहा हूँ, वो इतना गंदा पानी जो यहाँ पे सप्लाई वही पी रहे हैं हम लोग, वही पानी, हाँ वही पी रहे हैं, निकलेरे भी हो रहा है, मलेरिया भी है, सब हो रहा है, अल्लाह माफ करे, कोई पूछने वाला नहीं है, जैसे हमने टंकी का हाल बताया वही पानी यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, गंदगी का हाल गलियों में देख लें आप किस तरह से है, घरों के अंदर गंदगी आ रही है, बीमारी हो रही है जी मेरी बहन, पहली बात तो आते नहीं और आते हैं तो दीवारें तोड़ के जाते हैं, अच्छा आप लोगों की दीवार, हाँ हाँ ये सारे कच्चे कुंडे के नीचे की नहीं, दीवारें उन्होंने खत्म करी, ये मेरे घर है, ये मेरा किचन है, मतलब ये कचरा उठाएंगे तो दीवारें गिरा के चले, दीवारें गिरा के चले आएंगे, फिर जाके दरख्वास्त दो, कहाँ दरख्वास्त दी जाती है, सब में देनी पड़ती है, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं आता है। बेटा बेटा आप लोग 2-3 दफा आए मगर यहाँ का तो वही आलम है, कचरा कुंडी का कोई सुधार ही नहीं आता है, इतनी गंदगी है, इतनी हर जगह उधर की तरफ झाड़ूएं देते हैं जमादार मगर इधर आते ही नहीं है, कोई कचरा नहीं उठा रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, जब उनको जरूरत होती जब ही आते हैं, वरना चाहे रोड पे फैल जाए कचरा मेरा बच्चा, कोई नहीं आता, ये दूसरा है कि अभी बिल भी भर रहे हैं सारी बहनों ने बताया है कि, लेकिन लोड शेडिंग, मगर मेरी बात सुनो बेटा, जैसे इस वक्त इन बत्ती वालों ने करा है ना बड़े बड़े, उन्हें यूँ के रबीउल अव्वल के दिन इन्होंने खास तौर पे बंद रखा है ना, उजाला फैला दिया, उसी दिन इन लोगों ने जो पहली तारीख से बंद करी है, तो ये दिन आ गया, मतलब ये बिल भी भर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब तो हम बिल ही नहीं देंगे, देखो तुम वो कचरे के पैसे भी आ रहे हैं उसमें, तो अम्मा कचरा नहीं उठ रहा, कचरा नहीं उठ रहा है, आप बोलेंगे कचरा, आप बोलेंगे आप कचरे के पैसे नहीं लेंगे, नहीं कचरे वालों को हम ईदी भी देते हैं, वैसे भी अगर हमसे कुछ हो जाता है 150 दे देते हैं हम, लेकिन पुरसाने वाले कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी बहन, ये क्या कहेंगी जो सारे बच्चे बीमार हैं, छोटे बच्चे जितने भी हैं डेंगू, मेरी अपनी बच्ची भी डेंगू से, अच्छा ये भी डेंगू हुआ है जी, मलेरिया हो गया था एक बच्ची को अभी मेरी, अच्छा अब ये कचरा उठता नहीं, गंद बचा रहता है यहाँ पे, गंदा पानी भरा रहता है, यही जड़ है सारी बीमारियों की, बीमारी की यही जड़ है, बच्चे बाहर बैठ निकल नहीं सकते, इतना गंद होता है बाहर, ना खेल सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं, कचरे वाले ही नहीं आते कचरा उठाने के लिए, दूसरा है कि भाई ये गंदा पानी जो आ रहा है, गंदा पानी भी वही लाइनों में से गंदा पानी, पका पका के पिलाते हैं पानी बच्चों को हम,
सही बात है, बीमारियां हो रही हैं, बच्चे बीमार हो ही जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जरासीम तो अंदर ही आते हैं ना, घर के करीब ही कचरा है तो जरासीम तो आएंगे घर के अंदर चुका है। और यहाँ गंदा पानी भी भरा रहता है, वो जो साफ पानी है एक गटर बंद होता है सारे गटर बंद हो जाते हैं लाइन, अल्लाह रहम करे, और लाइटें कोई देखने नहीं आता है, पूरा आगे तक गंद मचा रहता है। मतलब जो यहाँ के एमएनए एमपी है जो वोट लेके गए, कोई आ गया दोबारा कोई नहीं आता, एक एक दफा आते हैं वोट लेके जाते हैं दोबारा नहीं आते। किस तरह से यहाँ के लोग रह रहे हैं, बीमारियों में लड़ रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं, बस हॉस्पिटलों में जा जाके पैसे दे रहे हैं और कुछ नहीं। सही बात है। सर ये तो बड़ा बुरा हाल हुआ पूरे इलाके का सर, ये भाई गरीबों का यही हाल है, अमीरों का क्या होगा, अमीरों के जफन जाके देख लो, गरीबों को पता ही नहीं है, जो हमारे जो एमएनए एमपी से वोट लेके गए उनको तो पता ही नहीं है अभी जो लोग रह रहे हैं किस तरह से रह रहे हैं, गंदा पानी है, गरीबों का कोई नहीं है भाई, यहाँ पे घंटों घंटों लाइट नहीं है अभी तक, घंटों क्या पूरी रात लाइट नहीं रहती, 12 रविवार को भी बंद करके बैठे हुए थे, उस दिन भी लाइट नहीं थी, यहाँ पे थी नहीं लाइट, सही। अभी सर बिजली के बिल इतना अदा कर रहे हैं लेकिन लाइट आ नहीं रही, एक मिनट के लिए भी बिजली के बिल तो अपने भरना ही छोड़ दिए, छोड़ दिए और क्या, इतना भंगियों का टैक्स दो, फलाना टैक्स दो, पत्नी क्या कहेंगे का टैक्स दो, कोई ऐसा थोड़ी होता, इतनी आमदनी नहीं है, कचरा उठ रहा है ना, लाइट आ रही है, कचरा कचरा उठता ही कहाँ, देख लो तुम्हारे सामने क्या हाल है, पूरा हाल होया हुआ, बच्चे बड़े सब बीमार पड़े हुए, बीमार यहाँ मच्छर मारने की कोई गाड़ी नहीं आती। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं परेशान हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बीमार हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये हाल हुआ हुआ है, यहाँ पे गटर खुले हुए हैं, गंदगी का अंबार है, वहाँ घरों के अंदर पानी जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हजरत, खैरियत से? सर 12 रबीउल भी आया, सही, बड़ा दिन था, मुबारक दिन था, उस दिन भी लाइट नहीं, गंदगी जो है यहाँ पे, गंदगी तो ये सामने आपके देख ही, लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि 12 रबीउल को भी लाइट नहीं, मतलब टाइम से खोलते थे टाइम से निकालते थे, और अभी बिल जो आ रहे हैं वो दबा के आ रहे हैं, और अभी ये सफाई के इंतजाम तो हमने देख ही लिए हैं, कोई नहीं आता पूछने सर, ये जो वो भी पैसे देते हैं हम लोग अपनी मदद, आप अपने मदद, जैसे ये 100 क्वार्टर हमारा करीब है जी हाँ, तो इसको पकड़ के लिए आते हैं एक लड़के को, वो बेचारा सफाई कर देता है, हाँ पैसे वैसे, तो भैया अपनी मदद आप ही हो रहा सब कुछ। तो सर ये मतलब जो यहाँ के वोट लेके गए हैं मैंने एमपीए, उन्होंने कभी आगे पूछा इस इलाके के बारे में कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं? कोई नहीं आ रहा, हमने काम से काम बंद, अपनी मतलब वही आपकी वाली बात, बस ऐसे ही काम चल रहा है। जैसा कि इलाका मकीनों ने बताया कि कोई पुरसाने नहीं है यहाँ का, जो एमएनए एमपीएस हैं इलेक्शन के बाद कोई नहीं आया पूछने के लिए, ये देख रहे हैं गटर जो खुले हुए हैं, नालियाँ खुली हुई हैं पूरी, यहाँ खुदा का रास्ता कोई बच्चा गिरे तो वो आगे जा सकता है, इतना बड़े बड़े ये होल खुले हुए हैं, ये बच्चों का पार्क है खेलने के लिए, ये उजड़ा पड़ा हुआ है, उसके बाहर हालत देख लें कि नाले के बाहर, रेलवे का ये आके दिखा दें कि ये पार्क है, ये गेट है पार्क का, और पार्क के साथ जो है ये इतना बड़ा नाला, नाली तो नहीं कहेंगे, नाले कहेंगे, ये नाला इतना बड़ा यहाँ से गुजर रहा है और वो आगे तक जा रहा है, उसमें बच्चे भी गिर रहे हैं, यहाँ के लोग शिकायत भी कर रहे हैं, बच्चों ने भी बताया कि हम भी यहाँ पे गिरते रहते हैं, तो खुदारा होश के नाखून लें, यहाँ पे आएँ कम से कम, इन बच्चों को तहफ़ुज़ फराहम करें, ये बीमार भी हो रहे हैं, गिर भी रहे हैं नालों में, अजीब बेकसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे हमारी कुछ बहनें हैं इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बहन, क्या कहेंगी ये जो हालत हुई है, ये पार्क है बच्चों का, उसके साथ इतना बड़ा नाला, बल्कि नाली क्या नाला, ये हमारे बच्चों के खेलने की जगह है, यहाँ पर हमारे बच्चे खेलते कम है, गंदगी यहाँ पर इतनी हुई है, ये डर लगा रहता है कि बच्चे कहीं नाले में ना गिर जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ हमारे बच्चे खेलने जाए, बच्चे कहाँ खेलें जी, बच्चे कहाँ खेलें, लाइटें होती नहीं है, अंधेरा इतना होता है, किधर जाएं हम अपने बच्चे लेकर, घंटों घंटों लाइट नहीं है, पूरे पूरे दिन लाइट नहीं है, पूरा दिन 12 रबीउल अव्वल वाले दिन पूरा दिन लाइट नहीं थी, हम किधर जाएं, तनी हुकूमत क्या कर रही है, हमारी तो समझ से बाहर है, वादे इतने बड़े हो रहे हैं, बिल इतने आते हैं, लाइनें काट के जा चुके हैं, मीटर काट के जा चुके हैं, लेकिन बिल प्रॉपर आ रहे हैं,
कभी 6,000 रुपए बिल आ चुका है, 35,000 रुपए लाइट कटी हुई है, बिल क्लियर है और 35,000 रुपए का बिल आ चुका है। वही आप लोगों के नहीं, घरों के 35,000 रुपए बिल भेज रहे हैं। जी जी, गैस आ नहीं रही, मेरा खुद का गैस का बिल 10,000 रुपए आया जबकि मेरे घर में चलाने वाला कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन क्या कह रही थी? कह रही है यहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं है, आप देख लो पूरे इलाके घर बार सब ऐसे ही है, ना यहाँ बिजली की सहूलत है, बिजली इतना जाती है। जब से आया हूँ मैंने लाइट नहीं देखी यहाँ पे, यहाँ नहीं देखी ना। अब आप ये आएगी 8:30-9 पे 10 बजे फिर चली जाएगी। अच्छा मेरी एक बात सुने, आप थोड़ा सा आगे आए, पीछे नाला है आपके, ये थोड़ा आगे आए, इधर आ जाए, मुझे टेंशन हो रही है आप खुदा ना खासा। नहीं 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 जी जी बोलें, हमारा तो ये रोज का है भाई। नहीं फिर भी खुदा ना खासा गलती हो सकती है तो भाई, मेरे ये सारी परेशानी है ना, हुकूमत को सॉल्व करनी चाहिए ना, हुकूमत कर क्या रही है? मतलब ये नाले खुले हुए, पार्क है, घर है, बच्चे हैं, खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, सब बड़े हैं बूढ़े हैं सब बैठते हैं गर्मी में बाहर, अंधेरा है, अंधेरे में कोई नजर ही नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये लाइटें जल रही, कुछ आसरा हुआ हुआ है, वरना तो अंधेरा गुप पड़ा हुआ है। अंधेरा गुप है, जिनको अल्लाह ने दिया हुआ जनरेटर इस्तेमाल कर लेते हैं, वो इस्तेमाल कर लेते हैं जिनके घर में नहीं है। ज्यादातर लोग तो ऐसे तो नहीं कर सकते है ना। इतना बड़ा नाला खुला हुआ है, जी हाँ, सोलर को शुगर है, वो सोलर का पाँव खड्डे में गया, सरिया लगा उसके, अल्लाह अब उसकी टांग कटने का हो रहा है, अल्लाह वो कोई बंद नहीं कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे नाले में गिरते हैं, साइज तो देखे उनके, ये गलियों के अंदर ऐसे साइज होता है भाई, छोटे छोटे बच्चे बह गए नाले में, कोई महमूदाबाद से लाश मिल रही है, कोई कहीं से मिल रही है, इस तरीके से होता है यहाँ। ये साइज ऐसे हैं, ये गलियों के अंदर साइज होते हैं, ये गटरों के नालियों के साइज होते हैं, ये साइज देखें जरा, ये गरीबों के घर है, यहाँ मेहनत मजदूरी करने वाले रहते, कोई अमीर तो रहते, ना गैस आ रही है ना लाइट आ रही है, किस तरह से खाना बना रहे, किस तरह से हिसाब चल रहा है, अब लाइट आएगी जब से आएगी जब बैठेंगे पकाने, बस टाइम होगा। पालना की बरसी थी, गैस ही नहीं थी, अब बताओ कहाँ से पकाएं, कहाँ से खाएं, रबी अव्वल गुजर गया, कोई लाइट नहीं अंधेरे में, रबी अव्वल वाले दिन लाइट नहीं है यार, रबी अव्वल वाले दिन भी यहाँ पे लाइट बैठे लाइट नहीं थी यहाँ पे, लाइट नहीं है, अल्लाह रहम करे, जिस इलाके में खड़ा हुआ वीकेंड माने, ये जो लाइटें चल रही है इसकी वजह से हम थोड़ा सा अच्छे से चल भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, अगर ये लाइटें बन हो जाए वीकेंड माने, गली में इलाके में इतना अंधेरा है कि ना ये गटर नजर आ रहा है ना मेन होल नजर आ रहा है, तो हमारी खुदा रहा यहाँ के जो महकमा है, यहाँ के जो करता धरता लोग हैं, उससे यही गुजारिश है खुदा रहा यहाँ आए और यहाँ के जो लोग हैं परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर करें। जनाब सरवर का दिन, खुशी का दिन, आप आए तो रौनकें हुई, आप आए तो चांद चमक गया, मगर यहाँ उस दिन में यहाँ पे लाइट अफसोस, नहीं। अफसोस का मकाम है कि उसी लाइट में अफसोस का मकाम है, क्यों आपके आने से आपके आने से तो रौनक हुई, मगर उस दिन हमारे ये है कि यहाँ पे जो 12 रुपये का दिन था, बाबर का दिन था, यहाँ पे उस दिन भी अंधेरों में हमने अंधेरों में दुआएं करते रहे हम लोग, अल्लाह रहम करे। ये बच्चे सर ये खड़े हैं, ये देखें ये बच्चे खड़े हैं और बच्चे के साथ ही ये देख रहे हैं, ये नाले का साइज़ देखें आप, ये नाला है इसका साइज़ देख रहे हैं, खुदा ना खासा कोई हादसा पेश आ जाए, जैसे कि हमारी बहन बता रही थी कि जो हादसा हुए हैं उनकी बच्चों की लाशें गुजरात नाले से और अपनी कहाँ कहाँ से दूर दूर से इनकी लाशें मिली हैं, तो हमारी गुजारिश है कुछ नहीं कर रहे, कम से कम इन मेन होल ये जो गटर खुले हुए हैं, ये नाले खुले हुए हैं, इनको तो कम से कम कवर कर दें ताकि जानी नुकसान से बच सकें, परेशानी से बच सकें। सकता हूँ यहाँ पे जिस तरह हम लोग खड़े हैं, आप खड़ी हो मैं खड़ा हूँ, तो ये तो कोई वो ही नहीं है यहाँ पे, जो है ना बस
जो है ना बेहाल है हम लोग बहुत ज़्यादा, इससे इससे कचरे से बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ इस कदर की, मच्छर गंदगी हर ज़्यादा, हम भी लोग हम भी इंसान हैं, हमें भी सफाई में रहने का ये यहाँ से लिहाजा आप ख़त्म कर दें इसको कचरे। मैं कोशिश कर रहे हैं मेरी बहन की, अल्लाह करे कि ये जो गंदगी के अंबार लगे हुए ना, बच्चे बेचारे बीमार हैं खड़े ऊपर, वो ये बोल रहे हैं मैं खुद बीमार हूँ। हाँ मुझे अंदाजा हो रहा है, तबीयत ख़राब है मेरी अभी, ये बहन ये गंदगी से अलग यहाँ पर लड़ रहे हैं, फिर लाइट नहीं है, गैस नहीं है, ख़त्म ही हो जाएगी यहाँ से ना कचरा, हमें चाहती नहीं यहाँ पर कचरा हो हमारे, बिल्कुल ये दीवार भी हमारी इतनी दीवार है, दीवार है वो सारे घरों के अंदर सारी, हाँ ना सब बदबू, बहुत ज़्यादा बदबू होती है, किचन भी साथ साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी मैं समझ सकता हूँ। ठीक है ठीक है, ये हमारी बहन खड़ी थी, बीमार भी है, उसे बात भी नहीं की जा रही थी, उसकी वजह मैं बताता हूँ। ये वजह देख लें कि यहाँ पर जो अंबार लगा हुआ है गंदगी का, कचरा है ये, और यहाँ पर घर हैं चारों तरफ घर हैं, और उनके साथ ये जो ये दूसरी जगह है जो हमने आपको पहले भी दिखाई जहाँ आदि गली तक था, ये दूसरी जगह है जहाँ पे घरों के अतराफ़ में कचरा डाला गया, और यहाँ पे कोई पूछने वाले नहीं, कोई उठाने वाले नहीं है, ऊपर बच्चे खड़े हुए हैं वो भी ऊपर से यही बोल रहे हैं कि अंकल ये खुदा रहा ये कचरा उठवा दें, बीमारियाँ हो रही हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, इस तरह से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं कस्मा कुर्सी में। ये मैं किसी जंगल में नहीं खड़ा हुआ, किसी कोने खुदरे में नहीं खड़ा हुआ, मैं शहर के बीचों बीच में खड़ा हुआ हूँ और वहाँ का ये हाल है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन जी, ये यही घर है आपको सामने वाला, यही वाला घर है, हमारे बच्चे हर वक्त बीमार पड़े हैं, वो मुझसे ऊपर से आवाज़ ये देखे बोले थे कि उठवा दें जी जी, तो खत्म हो जाए समाज का बनी हुई है, तो बीमारियों की डेंगू मलेरिया मच्छर इतने ज्यादा कमरे तक में मच्छर होते हैं, तो बेजार आ गए, हम कह रहे हैं हड्डिया तो अच्छी बात, अल्लाह करे अल्लाह करे कि कोई सुन ले यहाँ पे आए ये सफाई कर दे। तो अभी ये गैस का भी मसला है, और क्या कहते हैं ये लोड शेडिंग हो रही है घंटों घंटों, बिजली के बिल भी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रही है कि लेट तो आ ही नहीं रही है, समझ लेंगे अभी भी आप देख रहे हैं कि अंधेरे में हम लोग खड़े हैं बिल्कुल, और यहाँ पे तो इतनी खतरनाक ये बदबू आ रही है कि हम लोग खड़ा ही नहीं हो सकते, बदबू आती है जब कचरा होता है तो मतलब ये लाभों से बाजा ताफून है, पर कब से बड़ा हुआ है बता रहे हैं कि चार चार पाँच पाँच फीट नीचे कचरा है इसके, गड्ढा चले जाता है, उसके बाद जो हमारी दीवारें हैं वो सब अंदर से गल चुकी है, हाँ वो अंदर सारा हो गई है दीवारें गड्ढे हो रहे हैं अंदर, बहुत सारे सीरन बदबू सब अंदर घर में, सही। तो यही गुजारिश है जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, यही गुजारिश है कि ये जो कचरा है गंदगी है लाइट का गैस का मामला चलें फिर बाद में देखें, लेकिन कम से कम ये तो देखें जो बीमारियों ने यहाँ पे माजगा बनाई हुई बीमारियाँ यहाँ पे डेरा डाल के बैठी हुई हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, गुजारा यहाँ पे आए ये जो नाले खुले हुए हैं नालियाँ खुली हुई हैं, यहाँ पे बच्चे गिर रहे हैं कचरा कुंडी से बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, गुजारा यहाँ आएँ और यहाँ की जो आवाम हैं उनकी परेशानियाँ दूर करें। अभी आपके इलाके का तकरीबन सर्वे करके आया है, पानी की टंकी हो गई वहाँ पे जो बुरा हुआ हुआ है, गंदा पानी बेचारों को यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। दूसरा मेरे सर सबसे बड़ा अफसोस हुआ जो पार्क देख के, जिसके बाहर नाली फैल रही है, नाली नहीं है सर वो नाला है, नाला है वो, नाला वो बच्चे उसमें से बेचारे जा रहे हैं, और समर्थ पार्क के नाम से वो है वो असल में, मेरी इनसे भी ये गुजारिश थी सलमान भाई से, आसिफ भाई आपका नाम है, आसिफ आजम नाम है मेरा, आसिफ भाई सॉरी आसिफ भाई, मेरी आपसे भी गुजारिश दोनों भाइयों से कि अगर आप लोग यहाँ पे माशाल्लाह से एक्टिव हैं काम करें चाहे किसी भी तंजीम से सर उस नाली को या जो नाला के इंशाल्लाह उसको कवर करने के बाद आप आएंगे तो वो पार्क बना हुआ होगा सर, अल्लाह करे इंशाल्लाह, हम आपको बता रहे हैं उसमें सर जानी नुकसान है, आप देखें ना हमने आप देखें 40 के मैदान में चले जाएं, हमने वहाँ पार्क बनाया है, आप अगर लोगों ने मतलब ये कि वो उसको एक वो बना लिया पार्टी के हवाले से तो वो अच्छी बात नहीं है, पार्क को पार्क ही रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ की आवाम जो है वो गरीब आवाम है, तो गरीब आवाम अगर कहाँ जाएगी, गरीब आवाम आप मुझे बताएं, अगर मैं उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर टेंट लगवाना शुरू कर दूंगा तो जो हमारी आवाम हमारे बच्चों के लिए जो पार्क बना है वो कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं फिर। जो ढेर लगा हुआ है मतलब आप कारोबार भी कर रहे हैं, लोग जो रहायशी है वही परेशान है, सब परेशान है, कोई परेशानी नहीं है, बिल लिए जाओ नोट जेब में भरे जाओ, एक काम यहाँ पे हो रहा है बस, इमदाद आ रही है रोना रोई है इमदाद लिए जाओ, आवाम को नहीं दो, आवाम को कुछ नहीं, आवाम को भूखा मारो, आवाम ये सब्जी भी नहीं खरीद पा रही इतनी महंगी हुई है यार, 240 रुपए किलो भिंडी है, जिसके चार बच्चे हैं वो तो गया, सही 1000 रुपए दिहाड़ी वो घर को चलाएगा भिंडी खाएगा, और गैस आ नहीं रही, गैस नहीं है, सुबह उठेगा एक घंटे गैस आ रही है, या काम पे आएगा या खाना पकाएगा, बच्चे भूखे जा रहे हैं, जो कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ बिजली के बिल दिए जाओ टैक्स दिए जाओ, ये काम यहाँ हो रहा है, क्या गुजारिश करेंगे आप, ये नहीं सुनने वाले लोग यार इनसे क्या गुजारिश, कोई नहीं सुन रहा, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे कोई सही नहीं है यार ए टू जेड,
अफसोस का मकाम है कि आवाम को कोई उम्मीद नहीं है, कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो यही गुजारिश है कि खुदा रहा इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें, जिनकी उम्मीदें जो ख़त्म हो रही हैं उन पर पूरा उतरें, और जो आपने जिन वादों के साथ जिन नारों के साथ उनसे वोट लिए थे उनको पूरा करें और आवाम की जो परेशानी है उनको दूर करें। इसी के साथ दें अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.